न्यूज़ चैनलों में न्यूज़ के अलावा डिबेट्स भी एक जरूरी हिस्सा होती हैं। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर जनता के सवालों को सरकार और विपक्ष के नुमाइंदों के सामने रखकर उन पर चर्चा करते हैं, पर पिछले कुछ समय से डिबेट में सरकार से कम और विपक्ष से ज्यादा सवाल किए जाते हैं। इसके अलावा डिबेट के मुद्दे भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम कुछ एंकरों की डिबेट के मुद्दों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने डिबेट में किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी पिछले हफ्ते अपने शो में। पहला, बिहार अस्पताल है या मशीनों के खंडर। दूसरा, गई नौकरियां कब वापस आएंगी। तीसरा, सरकारी भर्तियों में यातना से कब मिलेगी मुक्ति। चौथा, विधानसभा चुनाव में शिक्षा बड़ा मुद्दा क्यों नहीं। और पांचवा, सरकारी नौकरी बनाम रोजगार की लड़ाई। रवीश ने अपने डिबेट में रोजगार से संबंधित मुद्दों को अपने शो में जगह दी और सरकार से कुछ तीखे सवाल भी किए। बिहार का चुनाव कई मुद्दों का चुनाव है, इसमें से एक मुद्दा नौकरी भी है। क्या मुद्दा बनने से सरकारी भर्ती की प्रक्रिया बेहतर हुई है या हो जाएगी, क्योंकि मुद्दा तो यह कब से है। इसी 17 सितंबर को सरकारी भर्तियों के सताए लाखों नौजवानों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया था। इसके बाद भी रेलवे उन नौजवानों को नियुक्ति पत्र टुकड़ों टुकड़ों में दे रही है जो एक साल पहले पास हो चुके हैं। रेलवे ने फरवरी 2018 में जो भर्तियां निकाली थी उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों के नौजवान नियुक्ति और ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार लगता है कि भर्तियां नौकरी देने के लिए नहीं निकाली जाती हैं, परीक्षा और रिजल्ट और नियुक्ति के चक्कर में 4-5 साल उलझाने के लिए निकाली जाती है, ताकि नौजवान किसी लायक ना बचे और इतने दिनों तक उसे वेतन न देना पड़े। आखिर यह कौन सी परीक्षा है जो 3 महीनों में पूरी नहीं हो सकती। आइए अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को अपने डिबेट में उठाया। पहला, बिहार की लड़ाई अब महिलाओं पर आई, डबल इंजन सरकार बनाम डबल युवराज। दूसरा, आलू प्याज की महंगाई का मुजरिम कौन है। तीसरा, बिहार के रण में नीतीश ने क्यों खेला आरक्षण का दाम। चौथा, मोदी ने तेजस्वी को क्यों कहा जंगल राज का युवराज। और पांचवा, बिहार का मुद्दा क्या है, भूत भविष्य या वर्तमान। संदीप अक्सर सरकार से सवाल करते ही दिखते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने डिबेट में बिहार चुनाव पर चर्चा की और साथ ही महंगाई के मुद्दे पर जोर दिया और बीजेपी नेताओं से सवाल भी किए। मैं बात करूंगा आलू की, मैं बात करूंगा प्याज की, मैं बात करूंगा टमाटर की, कोई बड़ी बातों पर बात नहीं करने वाला हूं। ये ऐसी चीजें हैं, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो और कितने भी गरीब क्यों ना हो, हर घर में आलू प्याज टमाटर की जरूरत होती है। आप स्वादिष्ट व्यंजन ना बना पाए, बहुत ही उम्दा खाना लजीज खाने ना बना पाए, तो आप दाल रोटी आलू सब्जी से काम चला लेते हैं। और मैं आलू की प्याज की टमाटर की बात क्यों कर रहा हूं, पहले मैं आलू से शुरुआत करता हूं। आलू दर्शकों पिछले 130 महीने यानी कि लगभग 11 साल में अपने सबसे उचले स्तर पर है, सबसे ऊंचे दाम है। देश भर का औसत निकाला जाए तो 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है और यह देश भर का औसत है। दिल्ली में 50 रुपए किलो है आलू। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की जो सरकार से सवाल कम और तारीफ ज्यादा करता है। आइए देखते हैं कि क्या उन्होंने भी रोजगार या महंगाई जैसे जरूरी मुद्दे उठाए या नहीं। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, परमवीर के गुनाहों का हो गया पर्दाफाश। दूसरा, साध्वी प्रज्ञा ने खोला परमराज। तीसरा, मंदिर नहीं खुला तो संत तोड़ेंगे ताला। चौथा, परमवीर सिंह की साजिश आएगी सामने। और पांचवा, देश के सामने आएगा सुशांत की हत्या का सच। अर्नब ने किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी ये आपके सामने ही है। वे पिछले कुछ समय से मुंबई पुलिस के पीछे ही पड़े हैं, देश में अन्य मुद्दों को वे नजरअंदाज ही करते दिख रहे हैं। परमवीर के इस्तीफे की मांग करते हुए हिंदू जागरण सभा ने अखिल भारतीय प्रदर्शन शुरू कर दिया है परमवीर के खिलाफ। सनातन संस्कृति के समर्थकों में परमवीर के खिलाफ आक्रोश है, परमवीर के खिलाफ जांच की मांग हो रही है और देश सवाल कर रहा है कि क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का यही कसूर है कि वो हिंदू हैं? क्या राष्ट्रभक्त होना अपराध है?
क्या राष्ट्र विरोधियों का कोई मानवाधिकार नहीं होता? क्या भगवाधारी होना कोई गुनाह है? अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार रमेश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी। पहला, पाक का सबसे बड़ा कबूलनामा, संसद में मंत्री ने कहा पुलवामा हमला इमरान सरकार की उपलब्धि। दूसरा, मुंगेर पर सियासी शेर, जंगल राज की लड़ाई जनरल डायर पर क्यों आई। तीसरा, लव के नाम पर जिहादी काम पर, लव जिहाद में ना काम तो खूनी इंतकाम। चौथा, 30 साल बाद फिर जातिवाद का काट, प्रधानमंत्री मोदी के सहारे नीतीश के बहार बा। और पांचवा, पीएम मोदी की ललकार, राष्ट्रवाद की हुंकार, जनता किसके साथ कौन मिलाएगा हाथ। अमीश ने भी ना तो रोजगार पर बात की ना ही महंगाई जैसे मुद्दों पर, उन्होंने पाकिस्तान और लव जिहाद जैसे मुद्दों को ही उठाया। आज वो सबूत गैंग कहां है, कहां मुंह छुपाकर बैठा है जो कहता था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, एयर स्ट्राइक का सबूत दो। आज इन लोगों के लिए आईना देखने का दिन है, शर्म करने का दिन है, क्योंकि आज भारत ने कोई दावा नहीं किया है, बल्कि खुद पाकिस्तान का एक सांसद कह रहा है कि जब भारत का वीर अभिनंदन पाकिस्तान में था तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान किस तरह खौफ में था। पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तानी जनरल बाजवा के पैर कांप रहे थे, उनके माथे पर पसीना आ रहा था और वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि खुदा के लिए अभिनंदन को छोड़ दो वरना रात 9 बजे तक भारत हम पर हमला कर देगा। पाकिस्तान मोदी सरकार के डर से दहशत में थी। जनता गोदी मीडिया से उम्मीद करती है कि वह भी उन्हीं के मुद्दों पर चर्चा करे जिन मुद्दों पर रवीश जैसे पत्रकार चर्चा कर रही हैं। ये तो वक्त रहते ही पता चल जाएगा कि गोदी मीडिया ऐसा करेगा या नहीं, पर हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल करते रहेंगे और मीडिया की आलोचना भी करते रहेंगे ताकि वह जनता की आवाज बने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.